अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू इजी रेसिपी विद नीलम। आज आपके साथ हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार सा झटपट बनने वाला इवनिंग स्नैक्स लेकर रही हूँ। जी हाँ, ये इवनिंग स्नैक्स इतना मज़ेदार और इतना आसान है कि आप इसको डेली अपने इवनिंग स्नैक्स में शामिल करेंगे। बल्कि आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में इफ्तारी में इसको ज़रूर बनाइएगा, सबको ज़रूर पसंद आएगा, सारे आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, इनको छील लिया अच्छी तरह से। इसके बाद हमने इनको स्लाइसिस में कट कर लेना है। इस तरह से हमने स्लाइसिस रखने, ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले स्लाइसिस रखेंगे। और इसके बाद हमने सारे स्लाइसेस को ऊपर नीचे इस तरह से जोड़ लेना है ताकि हमारी जो कटिंग है ना वो इक्वल सी आए और अच्छी से आए। इसके बाद हम इसको इस तरह फ्राइज़ की शेप में कटिंग कर लेंगे। कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं लाजमी कमेंट में भी बताया करें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। इसके बाद हमने किसी भी बाउल में इनको डाल देना है और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको भर देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथों से मल लेना है ताकि इसका स्टार्च जो है ना वो उतर जाए। और इसके बाद हमने पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है और अच्छी तरह से इसको अच्छे से पानी से निकाल लेना है। इसके बाद एक कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर सारी फ्राइज़ को ना फैला देंगे। और इसके बाद हमने इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरह से खुश कर लेना है। अगर आपके पास किचन टॉवल है ना तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये किचन में पड़ा हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको किसी भी बाउल में डाल देंगे। इसमें 2 अदद अंडे डालेंगे। इसी से तो हमारा ये मज़ेदार स्नैक्स बनने वाला है। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, या आधा चाय का चम्मच। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास कश्मीरी है ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी ऑर्गेनो लीव्स। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है स्नैक्स का, शामिल किया करें किसी भी स्नैक्स में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच और ऑर्गेनो लीव्स भी मैंने 1 चाय का चम्मच ही डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, यह बाज़ार से आसानी से शाशे मिल जाता है, और ये डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी मैदा। मैदा मैंने लिया 1/3 कप, 1/2 कप, और इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। और अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे ताकि अंडे में सारे मसाले और आलू जो हैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें हमने अपनी एक एक करके आलू को डाल देना है। अच्छा, ये हाथ की मदद से डालेंगे ना तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अगर आप इसको इस तरह से डालेंगे ये चिपकेंगे नहीं। इसके बाद हम इनको मीडियम फ्लेम पर रख के फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। जब ये कलर इस तरह से आ जाएगा और ये क्रिस्पी से नज़र आने लग जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो हमारे मज़ेदार से झटपट बनने वाले मसाला फ्राइज़ जो है वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने अपनी सारी फ्राइज़ को फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। अगर आप इसको गर्म गर्म खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। इसकी सॉस तैयार करने के लिए 2 खाने के चम्मच मेयोनीज ली, 1 चम्मच मैंने केचप और साथ में चिली सॉस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये सॉस बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने एगलेस मेयोनीज की रेसिपी शेयर की है, आप उसको लास्ट में ट्राई कीजिए। इसके ऊपर चाट मसाला छिड़केंगे क्योंकि हमारे स्नैक्स को ये बनाने वाला है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा। तो ये देखें जी, हमारे मज़ेदार सी फ्राइज जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आपके भी मुंह में आ गया ना पानी, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में इफ्तारी में बनाइएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।